उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस। अब दादाजी चाहते हैं कि हर सुबह मैं उनके साथ एक्सरसाइज करने चलूं। मुझसे नहीं हो सकता क्योंकि मुझे अपनी सुबह की नींद बहुत प्यारी है, मैं नहीं छोड़ सकता। आपने सुना तो होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब देखिए, जब से आपने वॉक पे जाना शुरू किया है तब से दादाजी आपसे कितने खुश है ना। चलो उनके लिए सही, आपने वॉक पे जाना तो शुरू किया ना। लेकिन उन्हें खुश करने के लिए मैं कुछ और तरीका सोच लूंगा, लेकिन सुबह सुबह नहीं। इस वजन का क्या करेंगे, ये टायर कैसे कम करेंगे? दादाजी सही कहते हैं, चर्बी चढ़ गई है आपको। अब आप भी शुरू मत हो जाइए। आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। हाँ हाँ, आपको तब पता चलेगा जब सारे बच्चे मिलकर आपको अंकल बुलाने लगेंगे। वैसे मैं इतना भी कोई मोटा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं डाइटिंग शुरू कर दूं। हाँ, दिख रही है डाइटिंग। डाइटिंग? आप हंस क्यों रही हैं? आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मदद? किस तरह की मदद? हाँ, डाइटिंग करने में। जैसे आज हम आपके घर जाने वाले हैं तो वहां सब मुझे चूस चूस कर खिलाने वाले हैं, तो मेरी पत्नी होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे सबसे बचाएं। पर मैं कैसे नैतिक? ऐसा करता हूँ, मैं प्लेट में खाना ही कम लूंगा, बस दो पूड़ियां, क्योंकि वैसे भी सब लोग मेरी थाली में परोसने ही वाले हैं। खाइए खाइए, कोई ना तो सुनने ही नहीं वाला। नैतिक, वो आपको कितने प्यार से खिलाते हैं। हाँ, आई नो, बट आप उन्हें कह सकती हैं आज मुझे प्यार थोड़ा कम करें। अक्षरा, नैतिक। आइए माँ। तैयार हो गए? अक्षरा, यह है हमारा खानदानी हार, चंदन हार, पीढ़ियों से चला आ रहा है। मुन्ना की दादी ने भाभी माँ को दिया था और भाभी माँ ने मेरे ब्याह में मुझे। बहू, आज से ये हार तुम्हारा। बहुत सुंदर है माँ। बहुत खास है, इसे बहुत संभाल के रखा है मैंने। मैं चाहती हूँ कि आज तुम इसे पहन कर जाओ। हमारी बहू पीहर जा रही है, इसे पहनेगी तो और भी सुंदर लगेगी। और यही तो उम्र है तुम्हारे सजने सवरने की। माँ, मेरे लिए कुछ नहीं, तेरे लिए ये। बेटा, जाने से पहले दादाजी से बात कर लेना किस समय दफ्तर पहुंचना है, और फिर पहुंच जाना। हाँ जी। जल्दी आओ दोनों। सुंदर है ना? शौरी, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं माँ से मिला हूँ आज, और दिन हो गए उनसे मिली ही नहीं। और घर में भी सब ठीक हो गया है, माँ की तबीयत भी ठीक हो गई है, सब पहले जैसा हो गया है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल जाओ, बल्कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, जाते जाते मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सच? फिर तो मैं अभी तैयारी शुरू कर देती हूँ। मेरी माँ को तो बता दूँ, वो तो बहुत खुश हो जाएंगी। हेलो। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं आज ही आ रही हूँ माँ। बस कीजिए, अपनी शिकायतें बस कीजिए। हाँ, बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ, ठीक है? और खाना हम दोनों साथ में खाएंगे, मैं माँ को भी बता देती हूँ, ठीक है? बाय।
माँ मुझे बहुत याद कर रही थी। अच्छा? वर्षा जी माँ, बेटा कुछ सुना तूने? तेरी सहेली आ रही है। सच? कब? बस अभी थोड़ी देर में। जब भाई साहब भी साथ में आ रहे हैं। बेटा देख, हमारे पास समय बहुत कम है, खाने की पूरी तैयारी करनी है। हाँ, इस बार जब तेरस पर अक्षरा ने मुझसे कहा ना कि मैं उसे भूल गई हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। आ जाने दो उसको, खूब खातिरदारी करूंगी, अच्छे से देखभाल करूंगी उसकी। अच्छा अब तू चल मेरे साथ, रसोई में बहुत काम पड़ा। आजा। अरे मां, अरे नहीं नहीं, वो अक्षरा आ रही है, मैं अपने काम बाद में कर लूंगी। हाँ सारा काम बाद में कर लेना। तू ऐसा कर, छोटी के साथ रसोई में हाथ बटा, मैं बाजार से तब तक कुछ सामान मंगवा लेती हूँ। हाँ मैं देख लेती हूँ सब। अरे हाँ एक काम और करती हूँ, फोन करके अक्षरा से पूछ लेती हूँ कि जब आयशा को खाने में क्या क्या पसंद है, फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ जल्दी आ जा। किचन में जाती हूँ। लेकिन माँ को तो फोन कर लो, तुम्हारे आने की खुशी में पता नहीं वो क्या क्या बनाई बैठी होंगी। हेलो माँ, वो क्या है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी। वो असल में क्या है ना कि अक्षरा और नैतिक जी दोनों साथ में आ रहे हैं। हाँ अभी अभी माँ ने बताया। हाँ माँ, हाँ ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय। मैं अभी आती हूँ। बेटा ये शगुन सबको दे देना और हमारी तरफ से प्रणाम भी कहना। जी। घर से फूल है। हेलो अक्षरा, बेटा तुम लोग आए नहीं अब तक? बस माँ हम निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ सब राह देख रहे हैं ना तुम दोनों की। अच्छा बेटा पहले मुझे ये बता, जमाई साहब बैंगन तो खाते हैं ना? नहीं माँ, इन्हें बैंगन ज्यादा अच्छे नहीं लगते। अच्छा तो फिर बता इन्हें क्या ज्यादा पसंद है, कहीं ऐसा ना हो हम सारी वो चीजें बना दे जो उन्हें ना पसंद है। माँ इन्हें दम आलू और दाल मखनी बहुत पसंद है, शौक से खाते हैं। ठीक है बेटा मैं अभी बना देती हूँ, वैसे वर्षा और छोटी रसोई में तैयारी में लगे हैं। अरे माँ कुछ ज्यादा मत करिएगा, चुप कर। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस अब तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। अच्छा सुन बेटा, घर में सबको राधे कृष्ण कहना मेरी तरफ से। हाँ जी ठीक है, बस आते हैं। ठीक तो आलू और दाल मखनी, माँ ने आप सबको राधे कृष्ण कहा है, वो तो अभी से बेसब्री से इंतजार कर रही है हमारा। अक्षरा अब हमारा जाना जरूरी तो नहीं है ना? सारी बातें तो आपने फोन पर ही कर डाली। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, इतना सुंदर लग रहा है ना बहू पर। चलो बेटा देर हो जाएगी। जी सामान तो बन गए। छोटे मटर पनीर में रसा थोड़ा बढ़ा। माँ पिछली बार नैतिक जी आए थे ना, उन्हें पालक का रायता बहुत पसंद आया था, वो भी बना दिया। अरे वाह, लेकिन तेरी सहेली तो कह रही थी कि ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है, इतने दिनों बाद आ रहे हैं, यूं ही जाने देंगे क्या? हाँ बड़ी बहू, जमाई साहब की आओ भगत खूब करना, पर ध्यान रहे ज्यादा नहीं। जी माँ। याद है ना पिछली बार जमाई साहब को कितना खिलाया था कि बेचारे उठ नहीं सके। इस बार आग्रह जरूर करना, पर इतना नहीं कि तबीयत खराब हो जाए।
वैसे भी वो बच्चे नहीं है, समझते हैं क्या खाना है और कितना खाना है। सामने रख देना, जो दिल करेगा खा लेंगे। ठीक है। वो लोग आ गए। बड़ी माँ, बड़ी माँ, अक्षरा दीदी आ गई, जल्दी आइए। जय सियाराम अक्षरा दीदी। जय सियाराम जमाई साहब। कैसे हैं भोला भैया? हम बहुत अच्छे हैं अक्षरा दीदी। हमारी तो आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। कितने दिन के बाद मिले हैं आज आप। अक्षरा दादी की सलाम। कैसी है? अरे भाई चलो चलो, पूरा कुंबा अपनी लाडली का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हाँ अरे घर में सब कुशल मंगल जी। कैसी है? बिल्कुल ठीक। ये ना आइए विराज जी। बड़े दिनों बाद आए अब दोनों साथ में। माँ बाबूजी कैसे हैं? कुछ ठीक है बेटा, दफ्तर गए। अंशु दिखाई नहीं दे रहा। उसे पता नहीं था ना आप आने वाले हैं, वो अपने दोस्त के घर गया है, आता ही होगा। आज किसी की नजर ना लगे, बड़ी प्यारी लग रही है हमारी अक्षरा बिटिया। लो बेटा। जी मैं बस पानी लूंगा। अरे नाना जमाई साहब, मुंह तो मीठा करना ही पड़े। लीजिए, कुछ तो खाना ही पड़ेगा आपको। वो माँ दिवाली में काफी मिठाइयाँ खा ली है ना, अभी रहने दीजिए, बाद में खाने के बाद खा लेंगे। ठीक है, ये लीजिए। वैसे ये बात अच्छी नहीं है, आप लोग तो अब आते ही नहीं हैं। हाँ भाई, हमने इसीलिए तो अपनी बहन की शादी उदयपुर में करवाई थी ताकि उसका आना जाना लगा रहे। पर ये तो अपनी ससुराल में ऐसे रच बस गई है कि हमें भूल ही गई है। किसी पर दिल जो आ गया था। तुम लड़कियां भी ना शुरू हो जाती। और बताइए जमाई साहब, काम कैसा चल रहा? बस आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। आज छुट्टी है क्या? नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है, ऑफिस जाना है। वो तो बस अक्षरा को छोड़ने चला आया। अरे ऐसे कैसे? भोजन तैयार है जमाई साहब, चलिए। जमाई साहब आपको दम आलू बहुत पसंद है ना? जी। लीजिए। और पिछली बार ये दाल आपको बहुत पसंद आई थी। ये पनीर तो खास आपके लिए बनाया है, और ये भी खाइए रायता भी। हाँ, और खट्टी की सब्जी भी, और ये गर्मा गर्म पूरियां। बस बस, और नहीं प्लीज, अब मैं खुद खा लूंगा। बस दो पूरियां। दो? हाँ। हाँ बड़ी बहू, अब तुम लोग भी आकर बैठ जाओ, जमाई से खा रहे हैं ना? ठीक है माँ। आपकी प्लेट तो खाली है। जी वो
गोपी दादी जरा खीर लाइए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो कुछ खाया भी नहीं, सुबह ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। और दो ही तो पूरियां खाई हैं आपने, छह पूरी से कम तो ये खाते ही नहीं है। जमाई साहब ये तो गलत बात है, आपने कुछ खाया ही नहीं और हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा, अच्छे से खाइए। आपका ही तो घर है, आपने ये पालक कराया था तो टेस्ट ही नहीं किया। हाँ वर्षा ने खास बनाया है आपके लिए, ले बेटा लीजिए। शर्माइए मत, अच्छे से खाइए। और वैसे भी देखिए आप कितने कमजोर हो गए हैं, आपको तो ठीक से खाना पड़ेगा। आपको पता है जमाई साहब कि औरतों को प्रेम और स्नेह से खाना खिलाने में जितना मजा आता है ना, वो किसी और चीज में नहीं आता, और हमें खाकर। और अच्छा इनका प्यार और गुस्सा भी ना खाने में ही निकलता है। अच्छा और जब मोटे होने लगते हैं तो पीछे पड़ जाती है। नहीं नहीं कोई मोटे वोटे नहीं होते बेटा, और आपकी तो खाने पीने की उम्र है, इतना काम करते हो अगर ठीक से खाओगे पियोगे नहीं तो कमजोरी नहीं आ जाएगी। ये लीजिए खीर, माय फेवरेट। मेरा बच्चा हमसे बैठ के खाना खाऊंगी। बेटा थोड़ी देर और रुक जाते, तुरंत ही जा रहे हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ जमाई सा कि आज ऑफिस रहने दीजिए, यही रुक जाइए। नहीं जाना जरूरी है। हाँ हाँ आप जल्दी जल्दी जाइए, टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। हाँ जी चलिए। चल अब हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। कितने दिनों बाद आई है मेरी बच्ची। हाँ माँ मैं भी कब से राह देख रही थी इस दिन की, जब मैं आप सब लोगों के साथ आराम से बैठूंगी सोऊंगी खाऊंगी पीऊंगी। अरे अक्षरा तेरी साड़ी तो कितनी प्यारी है, तेरी सासू माँ ने दी है क्या? हाँ और उन्होंने आज मुझे अपना खानदानी हार भी दिया है। हाँ? ना जाने कितनी पीढ़ियों ने पहनाया है चंदन हार। अक्षरा क्या हुआ? मेरा हार मैंने पहना था, पता नहीं कहाँ गया। बेटा लेकिन तू पहन के तो आई थी ना? हाँ माँ मैं पहन के आई थी। फिर कहाँ? तुम वहां बैठी थी ना? हाँ बड़ा सा हार है दादू, तीन लड़ियों वाला, माने कहा भी था कि संभाल के रखना। मिल जाएगा बेटा मिल जाएगा, फिकर मत। नीचे देखो इधर देखो। शौर्य आपको ऑफिस जाना ना, आपकी मीटिंग है। अरे लेकिन वर्षा वो शौर्य मैं ढूंढूंगी, आप जाइए। बेटा तू जा, तुझे देर होगी। माँ मैं फटाफट मीटिंग खत्म करके आता हूँ। अगर नहीं मिला हार तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसके ससुराल वाले, मायके में जाके हार कैसे खो दिया। मिल जाएगा इतना परेशान मत होइए। कहाँ गिरा होगा, मैं माँ से क्या कहूंगी, मैं उनकी दी हुई चीज नहीं संभाल सकी। हमने तो वो हार लॉकर में रखा था, सिर्फ दिवाली के लिए निकाला है, बाहर भी नहीं दिख रहा, जेवर का गुंडा अच्छा ना हो गया है और वो
वो भी सोना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।